नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज एट थ्री में। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। रायपुर में बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी का संयुक्त प्रकोष्ठ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल और प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव मौजूद रहे। इस सम्मेलन में लोकसभा चुनाव की रणनीति और जीत के फॉर्मूले पर मंथन हो रहा है। सत्यप्रकाश ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रायपुर से जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, बीजेपी कार्यालय में संयुक्त प्रकोष्ठ सम्मेलन का आयोजन है और इसमें क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, बताइएगा। देखिए, सभी 17 प्रकोष्ठों का ये सम्मेलन है, उनके पदाधिकारी इस सम्मेलन में शामिल हैं और इस सम्मेलन का एकमात्र उद्देश्य है कि लोकसभा चुनाव में सभी 11 की 11 सीटें जीतने का जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, उस लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाए और उसके लिए किस तरह के टास्क इन पदाधिकारियों को दिए जाए जो कार्यकर्ताओं तक पहुँचे और फिर वो आम लोगों तक पहुँचे। देखिए, मूल रूप से अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े फैसले और केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, ये जनता तक लेकर कार्यकर्ताओं को जाना है और हर घर को छूना है, जो भी लाभार्थी हैं उसे छूना है। तो उसके लिए जिम्मेदारियां तय की जा रही है, उसके लिए बताया जा रहा है, टास्क दिया जा रहा है कि किस तरह से केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंचानी है। डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी कई फैसले लिए गए हैं, उन बातों को निचले स्तर तक जाकर पहुंचाना है। इसके अलावा संगठन की आगामी जो कार्य योजना है लोकसभा को लेकर, महिला मोर्चा या दूसरे मोर्चा हैं उनकी भी बैठक कल होना प्रस्तावित है, इस बात की जानकारी मिल रही है। मतलब आज प्रकोष्ठों का और कल मोर्चों का, तो 17 अलग अलग प्रकोष्ठ हैं और बेहद महत्वपूर्ण है प्रकोष्ठों की भूमिका भारतीय जनता पार्टी में। तो उन्हें एक तरह से लोकसभा चुनाव के लिए टास्क देना और उन्हें एक्टिव करना, ये मूल रूप से आज के इस सम्मेलन का उद्देश्य है। निश्चित रूप से, और इसका क्या प्रभाव लोकसभा चुनाव में पड़ता है देखना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार रणनीति बनाने में जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका तमाम जानकारी।